मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मंदीप। तो लंबे प्रतीक्षा के बाद आखिरकार शिवराज मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने जा रहा है। हालांकि विस्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है, क्योंकि कैडर बेस कही जाने वाली पार्टी में माना यही जा रहा था कि संगठन का फरमान ही अंतिम फरमान होता है। ऐसे में मंत्री पद के दावेदारों की लंबी सूची में कटौती कर उन चार नामों पर सहमति बन जाएगी, जिनको संगठन और मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी दे दी जाएगी। दरअसल वर्तमान में नियमानुसार 6 मंत्री पद खाली हैं। इसमें से सिंधिया समर्थन कहे जाने वाले गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट का नाम पहले से तय है। बचे 4 नामों में पूर्व से रहे भाजपा विधायकों के नाम तय होने थे, जिसमें से शिवराज मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्य रहे राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और अजय विश्नोई, रामपाल सिंह, संजय पाठक, हरिशंकर खटीक और इस दौड़ में शामिल है। और इसके अलावा क्षेत्रीय और गुटीय संतुलन बनाने के लिए मालवा से कैलाश विजयवर्गीय समर्थक रमेश मेंदोला की भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। और इसके अलावा मंदसौर से यशपाल सिसोदिया भी मंत्री पद की शपथ लेने वालों में गिने जाते हैं। सुंदरलाल पटवा के पुत्र सुरेंद्र पटवा भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इन सबसे अलग विंध्य क्षेत्र से विरोध की जो आवाज उठ रही है, उसमें गिरीश गौतम, केदार शुक्ल और जुगल किशोर बागड़ी को भी संतुष्ट करना सीएम शिवराज के सामने एक बड़ी चुनौती दिख रही है। ऐसे में दावेदारों की लंबी सूची के बीच फिलहाल 4 मंत्रियों को शपथ दिलाने का मामला फिलहाल टल गया है। अब देखना होगा कि आज जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं उन मंत्रियों को वही विभाग दिए जाएंगे जो उनके पास पहले से थे, या फिर शिवराज मंत्रिमंडल में इन विभागों को लेकर किसी तरह का कोई परिवर्तन हो सकता है। तो शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे हम। अब देखना होगा कि आज जो मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं उन मंत्रियों को वही विभाग दिए जाएंगे जो उनके पास पूर्व की सरकार के समय थे। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए पैनल जुड़ गया है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता विकास बुंदरिया जी और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ ही राजभवन से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं सहयोगी अतुल शर्मा, और साथ ही चैनल हेड हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एसपी त्रिपाठी जी। तो आप सभी का सबसे पहले बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले विकास जी, आपके पास आऊंगी कि अब समय तो कुछ ही शेष बाकी है, जैसा कि नाम भी कुछ सामने आ चुके हैं, अब आप ही साफ कर दीजिए कि वो कौन कौन से नाम होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। देखिए, तो सरकार के प्रेस नोट्स के माध्यम से पता लगता है कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप लोग इस मामले में अद्यतन है, मेरा बोलना तो कमतर ही रहेगा जी। राजभवन से ये जानकारी आ रही है और जो लोग शामिल होने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में, वो सूचनाएं आ रही हैं कि पहुंचने भी लगे हैं राजभवन। त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले मिनी कैबिनेट का गठन होता है, उसके बाद में फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसके बाद में एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कहने में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक साथ पत्ते नहीं खोल रही है बीजेपी, धीरे धीरे करके पत्ते यहां पर खोलती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी 6 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है विधायकों को, पर अभी भी 2 ही नाम सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए अमन, जहां तक सवाल इस बात का पत्ते खोलने वाली, पत्ते खोलने की बात नहीं है, विकास जी ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो पार्टी के अंदर अंतर कलह है, ये उसका परिणाम है सामने, जो 4 मंत्रियों के पद खाली है, क्योंकि जो 4 मंत्रियों के पद खाली है उनमें से करीब एक दर्जन, विकास जी स्वीकार करेंगे, एक दर्जन ऐसे प्रबल दावेदार है जो जिनको सरीक किया जाना ही चाहिए, लेकिन जैसा पार्टी में माना जा रहा था, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, वो खुद नहीं चाहते थे बहुत ज्यादा कि सिंधिया समर्थक जो 12 मंत्री हैं उनमें से ज्यादा जीते, 3 हार गए, 1 पहले से पद खाली है, ऐसे में 4 पद। बिंद से सबसे पहले विरोध के स्वर उठे थे जब गिरीश गौतम, केदार शुक्ला और वहां के एक आदिवासी विधायक मिलकर के उन्होंने ये बात कही थी, यहां संगठन के सामने लाकर कही थी कि भाई बिंद से हमेशा से ही क्या राजेंद्र शुक्ला अकेले दावेदार हैं,
क्या उन्हीं को ही मंत्री बनाया जाएगा, हम लोगों का नाम क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो तर्क था संगठन का और मुख्यमंत्री का, वो ये था कि बिंद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 सीटें जो बिंद में आती हैं उनमें से 2013 में जो कहा जाए एक तरह से बीजेपी की आंधी बह रही थी, उस आंधी में भी करीब 12 सीटें कांग्रेस जीती थी। इस बार पहली बार 6 सीटें मात्र सिमट करके कांग्रेस रह गई, जबकि कांग्रेस को सरकार कांग्रेस ने सरकार भी बनाया था। तो इसका श्रेय पूरी तरह से राजेंद्र शुक्ला को जाता था और उनके सामने जिम्मा भी सौंपा गया था पूरे बिंद के 30 सीटों का। उन्होंने उसमें हर तरह से आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से हर तरह सहयोग भी किया और वो जिता के लाए। पहली बार 30 में से 24 बीजेपी को सीट मिली। अब इन परिस्थितियों में राजेंद्र शुक्ला को कैसे काटा जाए, ये इनके सामने बड़ी चुनौती रही। दूसरी तरफ इस बात को लेकर के जो गिरीश गौतम भी लंबे समय से विधायक हैं, आपके केदार शुक्ला भी लंबे समय से विधायक हैं, 93 से विधायक हैं वो, तो उनको क्या किया जाए। तो ऐसे में माना ही जा रहा था कि उनको विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नवाजा जा सकता है, लेकिन प्रोटम स्पीकर बने रामेश्वर शर्मा भी दावेदार बन गए। इन स्थितियों में फिलहाल ये टाल दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में जो 4 पद खाली है वो फिर से चुनौती वाले पद होंगे। एक तरफ थोड़ा बहुत भार्गव जी इस बात से सहमत होंगे कि ये भी माना जा रहा था कि जब उपचुनाव होने जा रहे हैं तो जो पहली बार जो विधायक बने हैं, जो सिंधिया समर्थकों को विधायक बना दिया गया है, तो उनसे जैसे भदौरिया हैं, दूसरे एक और बिजेंद्र सिंह यादव हैं, इनसे इस्तीफा लिया जा सकता है, क्योंकि पहली बार बीजेपी का ही फार्मूला, शिवराज जी का फार्मूला था, 2008 से उनका फार्मूला था कि जो पहली बार विधायक बने हैं उनको हम मंत्री नहीं बनाएंगे। अब ये लोग पहली बार विधायक बने हैं वो इसलिए बना दिए गए कि चुनाव में अगर मंत्री रहेंगे तो जीतने में आसानी होगी। गिरिराज दंडोतिया भी उसमें थे, वो तो हार गए खैर चुनाव। इधर सिंह कंसाना, इमरती देवी पहले से भी कई बार विधायक रहे। तो इन स्थितियों में जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, 4 पद खाली है और प्रबल दावेदार 1 दर्जन है। अब ये विकास जी कैसे संतुष्ट करेंगे इसको, ये देखने की बात है। अमन ठीक है, जहां तक प्रबल दावेदारों की बात है, भारतीय जनता पार्टी में आप 1 दर्जन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इससे भी ज्यादा है। मैंने सारे विधायक देखिए, हाँ अपनी योग्यता अनुसार वे संगठन को, सरकार को और मध्य प्रदेश को योगदान दे सकते हैं। राजभवन से लाइव हमारे साथ में अतुल जुड़े हुए हैं, वो तस्वीरें दिखाएंगे कि अतुल किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा रही है, क्या कुछ तैयारी वहां पर। देखिए बिल्कुल अमन जी, यहाँ पे शपथ को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और अब से कुछ देर पूर्व यहाँ पे सिंधिया समर्थक कह जाने गोविंद सिंह राजपूत यहाँ पे पहुंच चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तमाम नेताओं के जो समर्थक है जिनको निमंत्रण दिया गया है वो उनका राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरा दीपक से कहूंगा कि वो नजारा दिखाएं यहाँ पे कि किस तरीके का यहाँ पे स्थिति चल रही है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां आना यहाँ पे लगातार वीवीआईपीओ की गाड़ी आना चालू हो चुकी है और गेट पे यहाँ पे पहले चेकिंग की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से मंदिर हमने देखा है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में तमाम जो जिस तरीके से कहते थे कि ताम झाम के साथ पूरी जो शपथ की जाती थी वहां पे इस बार की जो है काफी सादगी पूर्वक शपथ समारोह देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से कल से ही स्वराज एक्सप्रेस लगातार ये बात कहता आ रहा है और अभी तक की स्थिति हम ये कह सकते हैं हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि श्री प्रिया सिंधिया जो समर्थक है यानी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, ये दो विधायक जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और मंत्री पद की अब से कुछ देर बाद शपथ लेंगे। हालांकि तैयारी आप देख सकते हैं, तस्वीरें बिल्कुल साफ है कि पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पे पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, वीवीआईपीओ को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि लेकिन उससे पहले पास चेक किया जा रहा है और तमाम जो समर्थक उनके साथ आ रहे हैं उनको बाहर ही रोक दिया जा रहा है ताकि कोविड की गाइडलाइन का पालन करवाया जा सके। गोविंद सिंह राजपूत अंदर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद तुलसी सिलावट का भी यहाँ पे आने की बात की जा रही है। जब हमारे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी उनके जो साथ के लोग हैं उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पे तुलसी सिलावट भी राजभवन पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम तरीके की जो है शपथ को लेकर जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आमंत्रित इस समय स्थिति जो हम देख रहे हैं और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं मध्यप्रदेश की सियासत में जिस तरीके से हमने देखने को मिल रहा है कि
जो विस्तार किया जा रहा है, दो मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा रही है। अगर वाकई जिस तरीके से हमारी खबर पे मोहर लगती है और सिर्फ दो ही विधायक अगर शपथ लेते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती इसे कह सकते हैं। एसपी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। त्रिपाठी जी, कोई सवाल करना चाहेंगे आप? अतुल इस वक्त राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं। अतुल, बाकी तो ठीक है, सब गोविंद राजपूत जी के समर्थक और तुलसी सावंत के समर्थक पहुंचेंगे, लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने वाले हैं उनमें क्या जो प्रबल दावेदार हैं, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, गौरी शंकर बिसेन, हरिशंकर खटीक, रामपाल सिंह, ये लोग भी क्या पहुंचे हैं? क्या कोई इनमें से यशवाल सिसोदिया, रमेश मेंदोला, इनमें से भी कोई पहुंचे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रामपाल की, बात कर रहे हैं संजय पाठक की, बात कर रहे हैं तमाम वो दावेदार जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में एक मजबूत नेता भी माने जाते हैं और मंत्रिमंडल में दावेदार लगातार कर भी रहे हैं, जिसकी लॉबिंग दिल्ली तक की जा रही है। लेकिन अभी की स्थिति अगर हम देखें तो राजभवन में अभी तक वो व्यक्ति जिसकी दावेदारी बीजेपी में चल रही है, यानी हम रामपाल की बात करें, मंडेला की बात करें, हम संजय पाठक की बात करें, तमाम वो चेहरे जिसको तलाश की जा रही है वो चेहरे अभी तक राजभवन में नहीं दिखे गए हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी तक की स्थिति, हालांकि जो समय दिया गया है शपथ ग्रहण का, 12:30 बजे के लगभग कार्यक्रम शुरू होगा और 12:30 बजने में हम कह सकते हैं कि ज्यादा समय भी नहीं बचा है, तो ऐसे में तमाम वो नेताओं का पहुंचने का सिलसिला तो चालू हो चुका है। लेकिन वाकई जिन चेहरों की तलाश की जा रही है, यानी जिसका कयास लगाया जा रहा है कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, तो वो चेहरे अभी फिलहाल जो है राजभवन में नजर नहीं आ रहे। जी, तो बाकी विधायकों की मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए इसकी उम्मीदें काफी कम नजर आ रही हैं, जिस तरह से अतुल ने भी बताया। फिरोज जी, आपके पास में मैं आना चाहूंगी। जिस वक्त दल बदल हुआ था उस पर कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही थी कि जो सम्मान, जो औहदा उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिला है वो बीजेपी में नहीं मिलेगा, पर हम बीजेपी में देख रहे हैं काफी ध्यान रखा जा रहा है सिंधिया समर्थकों का। देखिए, आप ही की बात में इसका उत्तर छुपा है, आप ही के प्रश्न में। जी, कांग्रेस पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि हमसे घर नहीं संभला, हम सिंधिया जी का ध्यान नहीं रख रहे थे, हम सिंधिया जी का सम्मान नहीं कर रहे थे। असल बात ये थी कि ये एग्रीमेंट था महाराज में और शिवराज में कि मैं कांग्रेस तोड़ के आऊंगा, मेरे जितने लोग हैं उनको आप मंत्री बनाएंगे, उनको अलग अलग पदों से नवाजेंगे। और असल देखा जाए तो शिवराज जी उस महावत की तरह हैं जो हाथी पे तो बैठे हैं लेकिन हाथी को हिलाने डुलाने की इजाजत नहीं, वो महाराज की कहने से हिल रहा है। और ये उसकी वानगी जो है आज हमको टेलीविजन पे देखना पड़ रही है। जो माहौल लोकतांत्रिक मूल्यों का मध्य प्रदेश में हुआ इस तरीके का, अगर हम इतिहास 1956 से देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसी कभी राजनीति नहीं हुई। आज ही दो लोग जो हैं दो साल में तीन बार शपथ ले चुके हैं, 1967 में वो भी जो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी के कारण थी और वापस स्थितियां पलटी थी और वापस कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन जो हालात देखने को मिल रहे हैं कि आप ये जो मलाईदार पद हैं वो सारे के सारे जो हैं सिंधिया समर्थकों को, सिंधिया जी ने छोड़ी कांग्रेस इसलिए थी कि मैं किसानों का कर्जा माफ कराऊंगा, अतिथि शिक्षकों को वापसी कराऊंगा, सिंधिया जी कहीं सड़कों पर नजर नहीं आए, जनता को 100 रुपए में बिजली मिल रही थी वो बिजली मिलना बंद हो गई, जनता को कुछ नहीं मिला, मिला जो कुछ वो सिंधिया समर्थकों को मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बेचारे बोंद्रिया जी जैसे लोग जो एबीवीपी से लगे हैं वो आज भी बाहर बैठे हैं, उनके साथ हमारे रायसेन जिले की ही बात करूं मैं, वो बाहर बैठे, यानी बोंद्रिया जी को मौका नहीं मिल रहा क्योंकि अब निगम मंडल में सिंधिया जी का दबाव है कि मेरे 50% लोग शामिल होना चाहिए। काफी कुछ जो है जिस तरीके से ये जो सरकार एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है, ठेके पे दे रखी है सिंधिया जी को, वो ये ठेके की सरकार है, वो ऐसे ही चलेगी और जनता बेचारी ठगी जाएगी। अमन, ये नहीं समझ में आया कि फिरोज जी को ये खबर कहाँ से लगी कि 50% सिंधिया जी मांग रहे हैं? एग्रीमेंट है, ये सारे एग्रीमेंट के हिस्से है जो हम लोगों से मांगा करते थे वो, और जब उनको यहाँ नहीं मिला तो अब वो वहाँ जाएंगे, वही चीजें मनवा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं फिरोज जी, कांग्रेस की सरकार है। मैं हल्की फुल्की बात नहीं करूंगा जी, जो कुछ मध्य प्रदेश में फरवरी मार्च में घटा उसके बाद में तो चुनाव भी हो गए, चुनाव में किस पार्टी को किस तादाद में जीत मिली वो भी स्पष्ट हो गया, तो राजनीतिक चोलबाजी की जरूरत नहीं है। सीरियस नोट ये है कि कांग्रेस
तब सत्ता पक्ष में थी, तब वो प्रदेश का ध्यान नहीं रख पाई और जनता ने जो उन्हें तब वोट दिए थे, जितनी सीटें दी थी, उस अनुरूप सरकार के साथ में काम नहीं कर पाए। आज प्रतिपक्ष में है तो भी वो चोरीबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, जो आपके पास में सीरियस नोट है आज कि जनता की कोई दिक्कतें हैं, हमारे प्रशासनिक अमला कहीं कमजोर रह रहा है, कोई नीतिगत परिवर्तन जरूरी है, उसके ऊपर चर्चा करिए ना, आप उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं करते। सिंधिया जी को आज तक आप भूल नहीं पा रहे हैं। अरे अब आपकी टीम के बहुत सारे लोग रुष्ट होके आपके कार्यों से रुष्ट होके चले गए, छोड़िए ना, अब आप नए सिरे से चलिए ना। बीजेपी के जो दिग्गज नेता है उनको दरकिनार करते हुए जब सिंधिया समर्थकों को जगह दी जाएगी, सवाल तो उठेंगे ना। सवाल तो कांग्रेस उठाती रहे, राजनीतिक कयासबाजी चलती रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी हैं, उनका अधिकार बनता है, हम सबको पता है। कांग्रेस तो सवाल उठाती रहे कि सवाल जनता उठा रही है ना। आपके यहाँ आपके शिवराज जी ने ये बेस बनाया था कि पहली बार जो विधायक बनेंगे उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, जब दीपक जोशी, विश्वास सारंग, सुरेंद्र पटवा को मंत्री बनाने के लिए दबाव आ रहा था बड़े नेताओं को, तब ये बकायदे अनाउंस किया था उन्होंने कि जो पहली बार मंत्रिमंडल विधायक बने। आज आपने ब्रिजेंद्र यादव और भदौरिया को बना रखा है, नहीं बना रखा है। देखिए त्रिपाठी साहब, राजनीतिक कार्यों में और खास करके सरकारी तंत्र में जब जैसी जरूरत होती है राजनीतिक दल निर्णय लेता है। देखिए, फॉर्मूले बनाए जाते हैं, समयानुसार गाइडलाइंस हम बना लेते हैं निर्णय लेने के लिए। सुविधानुसार बीजेपी कैडर बेस्ट पार्टी भी बनाती है। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ, कैडर बेस्ट पार्टी बनाते हैं, 75 पार का बेस बनाते हैं, फिर उसको तोड़ देते हैं। आपने फिर सरताज सिंह और बाबूलाल गौर से क्यों इस्तीफा लिया था? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में क्या, सामाजिक क्षेत्र में भी, व्यक्तिगत कामों में भी कोई फॉर्मूला अनंत काल तक हमेशा के लिए नहीं हो सकता। परिस्थिति उस वक्त क्या निर्णय लिया जाता है, उस वक्त एक कोर टीम रहती है, वो अपने आप में एक गाइडलाइन बनाती है अपने कामों के लिए, वो उस वक्त के लिए होती है। ये चीजें आपके यहाँ विद्यार्थी परिषद हो, चाहे भारतीय जनता का मोर्चा हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, एक बार जो फार्मूला बन जाता है उसमें आप लोग अडिग रहते हैं। नहीं ऐसी रोकना चाहूंगी, राजभवन के बाहर से हलचल देखी जा रही है। अतुल, आपके पास में आऊंगी, क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले मोर पूर्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला राजभवन पहुंच चुका है। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो हमारे पास आ रही है, जो विधायक है चेतन कश्यप, वो भी राजभवन पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि चेतन कश्यप जो है कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की दावेदारी में उनका नाम जो है लिया जा रहा है, हालांकि संभावना है अभी लगाई जा रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति में हम देखें तो चेतन कश्यप जो है राजभवन के अंदर मौजूद है। और अब आने की जो आगे की स्थिति है वो क्या स्पष्ट होगी, वो तो अब से कुछ देर बाद ही जो है मालूम पड़ पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय अंदर पहुंच चुके, तमाम काफिला जो है उनके साथ अंदर राजभवन के अंदर पहुंच चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं कि लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ है अमरदीप की, लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से हमने चेतन कश्यप की जब राजभवन में एंट्री हुई तो जो कुछ समीकरण इस समय लगातार चल रहे थे, ये माना जा रहा था कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट ही जो है शपथ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी उनका आना जो कहीं ना कहीं दावेदारी के रूप में उनको जरूर लिया जा रहा है, लेकिन पुष्टि अभी भी नहीं हो पाई है कि क्या आखिर चेतन कश्यप भी शपथ लेंगे, लेकिन कया जरूर जो है लगाना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद जब शपथ समारोह होगा उसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होगी कि आखिर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुनबा बढ़ रहा है उस कुनबे के अंदर नए कौन कौन से सदस्य जो है शामिल होते हुए जा रहे हैं। बहरहाल ये जरूर है कि अटकलों का दौर जो है गर्म हो चुका चेतन कश्यप के अंदर पहुंचने के बाद से। जी ठीक है, अतुल आप बने रहिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। पर अभी जी आपके पास आऊंगे, जिस तरह से अभी दो नाम सामने आ रहे थे, अब चेतन कश्यप का भी नाम अब सामने आने लगा है, पर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो शपथ लेंगे या फिर नहीं। और साथ ही जो बीजेपी के सामने हम कह रहे हैं कि दोहरी चुनौती है कि एक तरफ सिंधिया समर्थक है, दूसरी तरफ अपने खुद के दिग्गज नेता है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? अब देखिए,
मंत्रिमंडल का विस्तार किन परिस्थितियों में हो रहा है ये तो सभी इससे वाकिफ है। अभी त्रिपाठी जी जैसा बता रहे थे कि बीजेपी कभी कुछ फार्मूला बनाती है कभी कुछ बनाती है, और 75 वर्ष का जो फार्मूला बनाया गया था वो तो बाकायदे ये खुलासा किया गया था कि हाईकमान के निर्देश पर इनसे इस्तीफा लिया जा रहा है और सरताज सिंह को भी उसमें हटाया गया था। तो ऐसी स्थितियों में आज शिवराज जी पर मुख्यमंत्री जो है, आप शासन संभाल रहे हैं, आप शपथ ग्रहण करवा रहे हैं, आप मंत्री बना रहे हैं, तो कम से कम नामों का खुलासा तो जनता के बीच में होना चाहिए था, लेकिन आप उसको गुप्त रखे हुए हैं, यानी उस समय तक जब तक कि राज्यपाल के सामने वो खुलासा होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए ये संदेश जाता है कि आप कहीं ना कहीं मजबूर हैं, आपके ऊपर दबाव है, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सिंधिया जी हमसे जो मांग रहे थे हमने नहीं दिया, इसलिए वो बीजेपी में अब वही दबाव बना रहे हैं। यानी आज इस बात को कांग्रेस भी मान रही है कि सिंधिया जी इसलिए कांग्रेस छोड़ के गए कि वो इनके ऊपर कुछ दबाव बना रहे थे। तब तक तो ये कह रहे थे सिंधिया जी हमारे ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं मांग रहे, उनको हम राज्यसभा में भेज रहे हैं, यहां भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं। रहा ये बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, ये तो सर्वमान्य तथ्य है, और जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है, अभी तक ये सामने आया है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको सिरोधार्य करता है, उसको मानता है। यहां तक कि हमने ये देखा है कि कुशाभाऊ ठाकरे जी को कहा गया कि आप खंडवा से चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव लड़े और विजयी हुए। सुंदरलाल पटवा जी को नहीं, खंडवा से कुशाभाऊ ठाकरे कभी चुनाव नहीं जीते, हार गए थे खंडवा से एक ही बार चुनाव, चलिए लेकिन वो चुनाव लड़े थे, हाँ लड़े थे और हार गए, जबकि वो प्रदेश के प्रमुख थे, प्रमुख स्तंभों में थे। भार्गव जी दो ऐसे इनके प्रमुख स्तंभ हैं विकास जी के, एक कुशाभाऊ ठाकरे तो पितृपुरुष कहे जाते थे, वो एक ही बार चुनाव लड़े खंडवा से, उपचुनाव हार गए, और दूसरा उपचुनाव कैलाश सारंग जी लड़े, वो भी कभी नहीं जीते, वो भी भोपाल दक्षिण से लड़े और हार गए, वो भी भोपाल दक्षिण से लड़े और हार गए। तो उस समय हारने की वजह क्या रही, कैलाश सारंग जी का तो मुझे याद है क्योंकि उस समय हसना सिद्दीकी को पार्टी में लाए थे और यहाँ के पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके उनको टिकट दिया गया था, और इस कारण कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन से कैडर को निभाते हुए उनको जिताया, और जिताने के बाद वो जब फिर कांग्रेस में वापस चले गए और कैलाश जी स्वयं लड़े और कार्यकर्ताओं की मांग पर ही लड़े, उन्होंने कहा अब तो आप ही लड़ लो, और वो लड़े, तो उस लड़ने के बाद कार्यकर्ताओं ने ही उन्हें हराया, ऐसा नहीं है बीजेपी में उस समय सेबोटेज हुआ और उसमें कई लोगों का पॉलिटिकल कैरियर गया। भोपाल दक्षिण के नेताओं में जैसे उस समय भरत चतुर्वेदी थे उनका पॉलिटिकल कैरियर गया, उस समय नंदकिशोर मिश्रा थे उनका पॉलिटिकल कैरियर गया, कई लोग ऐसे थे जिनका, गिरिराज किशोर थे उनका पॉलिटिकल कैरियर गया, तो ऐसे। लेकिन बीजेपी में कार्यकर्ता कितना भी रुष्ट हो जाए, कितना भी नाराज हो जाए, बीजेपी में अगर एक बार बैठकर उनके प्रमुख लोगों से चर्चा हो जाती है तो वो मान जाता है, ये बात भी सर्वमान्य है। तो इस समय अगर बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ कुर्बानी दे रहे हैं कि उन्हें मंत्री नहीं बना रहे, देखिए दीपक जोशी ने कितनी बाजी आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद वो मान गए और चुनाव में काम भी किया और वहां से मनोज चौधरी जीता भी। तो इस स्थिति में बीजेपी में कोई तोड़फोड़ होने की संभावना को तो बिल्कुल नकारा जा सकता है। हाँ, बीजेपी में कुछ है ऐसा, जैसे अभी गौरीशंकर सेजवार जी को, उनके लड़के को, इनको मोदी सेजवार को, इनको नोटिस दिया गया, लेकिन उस नोटिस का बाद में क्या निराकरण हुआ ये नहीं बताया गया, क्योंकि ये उनकी अंदरूनी बात है और ये तय है कि उन दोनों को मना लिया जाएगा और दोनों पार्टी में रहेंगे। तो बीजेपी में तोड़फोड़ की संभावनाओं को तो बिल्कुल नकार दीजिए, बीजेपी में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। रहा यह कि जो मंत्री नहीं बन पाए उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो संगठन में दी जाए, लेकिन इस समय संगठन में भी, मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे कि संगठन में भी अध्यक्ष बने कितने दिन हो गए, उसके बाद वो अपनी टीम का गठन नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉकों में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जिलों में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? तो कुछ ना कुछ दबाव सत्ता पक्ष के ऊपर जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनके समर्थक हैं। वाकई में अध्यक्ष जी यहाँ पर दबाव की स्थिति तो देखी जा रही है, पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले गौरी सिंह राजपूत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और मैं खुश हूँ, मुझे कहीं भी कोई भी इस बात का गिलानी नहीं है कि मेरी शपथ 2 महीने बाद हुई है। मैं खुश हूँ, जब सरकार पार्टी का आदेश हुआ, जब मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ, जब मुझे आदेश आया मैं शपथ लेने जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। राजभवन से दिखाते हैं,
कुछ ही देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और तुलसी सिलावट वहां पर पहुंच चुके हैं। जो दो नाम सामने आए हैं वो एक तुलसी सिलावट और दूसरा गोविंद सिंह का है। इस महत्वपूर्ण गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल मंत्रिमंडल के नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराएंगी। जैसा आप सभी को विदित है, माननीय मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। माननीय कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश से पधारकर हमारे बीच होंगी। आज के इस कार्यक्रम में दो माननीय विधायक महोदय मंत्रिपद की शपथ ग्रहण करेंगे, जो कि मज्जासीन है आदरणीय श्री तुलसी राम सिलावट जी एवं श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। श्री तुलसीराम सिलावट जी निर्वाचन क्षेत्र सामने से आते हैं। आपका जन्म 5 नवंबर 1954 को ग्राम पिबड़ा इंदौर में हुआ। आपने एमए राजनीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है। वर्ष 1982 में पहली बार नगर निगम इंदौर के पार्षद रहे आप। 1985 के 8वीं विधानसभा सदस्य में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद क्रमशः 2007, 2008 एवं 2018 में चौथी बार विधानसभा के सदस्य आप निर्वाचित हुए हैं। इसके पूर्व आप लोक कल्याण एवं परिवार कल्याण विभाग में मंत्री, जल संसाधन विभाग हेतु मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के भी मंत्री रहे हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में नवम्बर 2020 में आप 5वीं बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मंचासीन है श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। आप निर्वाचित क्षेत्र सुर्खी से विधानसभा सदस्य विधायक निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 1961 में सागर जिले में आपका। तो जैसा कि हमने सुना त्रिपाठी जी, दो ही विधायक अभी वहां पर पहुंचे हैं। एक सिंधिया का जो दबदबा है वो अभी भी देखा जा रहा है, गोविंद सिंह और तुलसी सिलावट। जैसा कि अभी भी नामों का यही जिक्र किया जा रहा है कि ये दो ही विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो सिंधिया का दबदबा है वो अभी भी देखा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो जगह है वो खाली रखकर यहाँ पर बीजेपी चल रही है, ताकि आने वाले दिनों में अगर आक्रोश होता है और साथ ही जो उम्मीद की किरण है वो बाकी विधायकों को जगाए रखना चाहती है। क्या इसीलिए ये जो जगह है वो बाकी की खाली रखी जा रही, क्योंकि 6 विधायक अभी शपथ ले सकते थे पर सिर्फ 2 का ही नाम अभी तक सामने आ रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब असंतोष जब होता है पार्टी के अंदर अंतर्कलह होती है, ये अभी से नहीं लंबे समय से, दिव्य सिंह जी के समय मैंने देखा, बोरा जी के समय मैंने देखा, अर्जुन सिंह जी के समय मैंने देखा, जब हालांकि अर्जुन सिंह जी के समय इस तरह का कलह नहीं देखा गया था, वहां तो जो फरमान जारी हुआ हो गया, लेकिन जब कलह होती है पार्टी के अंदर, दावेदार ज्यादा होते हैं, तब 1-2 पद 3 पद खाली रखते हैं कि ठीक है उम्मीद है आपको भी हम ले लेंगे। यही कारण जो आपने कहा ना कि जो 4 नाम खाली रखे गए हैं वो संतुष्ट करने के लिए लोगों को, अब 12-15 लोग हैं, 15 लोगों में से सब सोच रहे होंगे कि 4 में शायद मेरा नाम आ जाए, लेकिन ये पहली बार मैंने ये परंपरा देखी है अमन जी, जो अभी सामने जिस तरह से वो मैडम अनाउंस कर रही थी, अभी तक मंत्रिमंडल में शपथ किसको लेनी है, जब राज्यपाल आ जाते थे उसके बाद चीफ सेक्रेटरी अनाउंस करते थे कि कम बार कि अब ये शपथ लेंगे, वो तो पहले से ही अनाउंस कर दी है कि ये दो लोग शपथ लेंगे। सांवेर क्षेत्र से ये आते हैं, पार्षद भी रहे, जीवनी भी पढ़ी जा रही है, ये मुझे लगता है भार्गव जी से सहमत होंगे इससे, पहली बार मैंने बहुत सारे शपथ ग्रहण देखे, ये वास्तव में पहली बार ये परंपरा देखी जा रही है जी। और हमेशा शपथ ग्रहण का संचालन चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश ही करता है। और अगर ये परंपरा देखी जा रही तो जो महामहिम गवर्नर के ईडीसी उनसे ये सवाल किए जाना चाहिए, प्रमुख सचिव से, उनके कार्यालय से, कि ये परंपरा किसके आदेश पर तोड़ी गई और क्यों तोड़ी गई। इस मामले में होना चाहिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो ये तो सुबह 5 बजे गवर्नर साहब का कंबल खींच के वो बिना चीफ सेक्रेटरी। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, जैसा कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन पहुंच चुकी हैं।
माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति महोदय? नियुक्त मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय कृपया अब आप नियुक्त मंत्री को शपथ की को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के संप्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय कृपया अब आप उन्हें मंत्री जी की शपथ पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि विभाग द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयगत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदुचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो दोनों विधायकों ने अब शपथ ले ली है, तुलसी राम सिलावट और गोविंद सिंह ने। और वहां से संवाददाता अतुल भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं राजभवन से। अतुल, जैसा कि इससे पहले हमने दर्शकों को बताया था कि राजभवन के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है समर्थकों को, क्या बाहर जमावड़ा देखा जा रहा है? नहीं, देखिए पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके से स्वराज एक्सप्रेस लगातार ये खबर दिखा रहा था मंदीप कि सिंधिया समाज तक सिर्फ दो ही विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और विस्तार में, या स्वराज एक्सप्रेस की खबर पे सबसे पहले ये मोहर लग गई है। हालांकि आपका सवाल इस तरीके से है कि क्या वाकई ऐसा में समर्थकों को बाहर रोका गया, तो पहले से ही जो विधायक जो मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहे थे उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि वो राजभवन के सामने इकट्ठा ना हो, क्योंकि कोविड को लेकर लगातार जिस तरीके से कोविड को लेकर जो गाइडलाइन जारी करी है उसको पालन करवाने को लेकर दोनों ही जो है विधायकों ने अपने अपने समर्थकों से कहा था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके से अभी नजारा है कि देखिए कि पहले से ही यहाँ पे पूरे बैरिकेड लगा दिए गए थे,
समर्थकों को जो है नेताओं ने कह दिया था पहले से कि वो राजभवन की तरफ ना आए, ना ही यहाँ पे किसी तरह की कोई भीड़ लगाएं, क्योंकि जो जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा वो गाइडलाइन का पालन कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये पूरी शपथ से पहले ये पूरी जो रोड है जो राजभवन के सामने से जो गुजर रही है अमनदीप, उस रोड पे यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और साथ ही यानी जो इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं जिसको राजभवन में प्रवेश देना है, यानी जिनको निमंत्रण राजभवन से मिला हुआ है, वाकई में अभी कोरोना के लिहाज से काफी कुछ अच्छा इंतजाम यहाँ पर देखा जा रहा है, बने रहिएगा आप। त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी कि जैसा कि स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है, जो दो नाम का जिक्र हम बार बार कर रहे थे उन्हीं ने मंत्री पद की शपथ ली है, और बाकी के जो जैसे हम कह रहे हैं स्थान रिक्त रखा गया है उम्मीद के तौर पर सर अभी भी तो 3 साल है ना, कब तक उम्मीद के सहारे विधायकों को संतुष्ट करती रहेगी सरकार? देखिए ये तो खैर संगठन का मामला है, हो सकता है 1 साल भी शपथ न हो, लेकिन कभी न कभी तो अभी मुझे लगता है कि जल्दी ही 4 नामों की सहमति बनेगी, दिलाया जाएगा। हो सकता है, मैं आपको बता दूं सिंधिया जी का दबाव जिस तरह से है मुझे दिख रहा है सामने, हो सकता है जो पहले 2008 में फार्मूला बनाया था कि जो ओपीएस भदौरिया है, ब्रजेंद्र सिंह यादव है, जो 4 नाम है जो पहली बार मंत्री विधायक बने थे और मंत्री बन गए थे, उनमें से इन लोगों का इस्तीफा लेकर के 2 नाम और हो सक शरीक हो जाए, मैंने 6 पद हो जाएंगे, तो हो सकता है बीजेपी संतुष्ट कर ले अपने उनको। हालांकि संतुष्ट और असंतुष्ट पार्टी से कोई बड़ा नहीं होता, सरताज सिंह गए थे कांग्रेस में वापस बीजेपी में आ गए हैं, तो बीजेपी का ये जो इतिहास रहा है वो ऐसा नहीं रहा है कि इनके जो लोग गए हैं कुछ को छोड़ दें, 1-2 लोगों को, वो वापस बीजेपी में आ गए हैं, कैडर बेस्ड पार्टी में वो कांग्रेस में चल नहीं पाए। तो फिलहाल मुझे तो लगता है अभी तो ये मामला टल गया है, अब ये देखना ये है महत्वपूर्ण बात कि क्या इनको, जैसे गोविंद सिंह राजपूत के पास परिवहन और राजस्व विभाग था, तुलसी सिलाड के पास सिंचाई विभाग था, क्या ये विभाग इनके पास यथावत रहेंगे या विभागों में भी थोड़ा बहुत फेरबदल होगा। ये शाम तक शायद जीएडी से उनको विभाग देने की सूची जारी हो जाएगी। ठीक है विकास जी, बार बार जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी दबाव में है, क्या वाकई में बीजेपी दबाव में है कि बार बार जो मौका मिलता है वो सिंधिया समर्थकों को ही मिलता है? देखिए बीजेपी कोई दबाव में नहीं है, सिंधिया जी हो वो कोई पार्टी से अलग तो है नहीं, पार्टी का अंग है, पार्टी के लिए वे हैं और उनके लिए अब साफ पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब उस मानस से बाहर निकलना चाहिए जो कांग्रेसी मानस है कि गुटों में बटा हुआ दल होता है, पार्टी की जो है परिभाषा बदल गई। मैं बता देता हूँ, जो सरकार बनवा दे, जो सरकार बनवा दे, जो मलाई खिलवा दे, वो जो है वो कैडर में सबसे ऊपर हो जाता है। हो गया वो बूथ का जमाना, वो गई वो अटल जो आडवाणी की पार्टी, अभी अंबानी अडानी की पार्टी, सुन तो लीजिए, ये व्यवसाय को और मलाई को तरजीह देती है। अटल जी की मुझे वो बात याद है कि उन्होंने 1 वोट के पीछे अपनी केंद्र की सरकार गिरा ली थी और कहा था कि मैंने 1 आदमी चाहता तो मैं खरीद सकता था, लेकिन ऐसा गठबंधन का जो सरकार है वो अपने जो है विचारधारा पर नहीं रह सकती, मुद्दों पर नहीं रह सकती, ये तो बिना विचारधारा और मुद्दों की पार्टी जैसी चल जाएगी वैसी चलाएंगे। बोलो आपके जो लोगों ने न्यू खड़ी की भारतीय जनता पार्टी की, रुक जाइए अब मुझे भी कुछ कुछ कभी कभी बोल लेने दीजिए, समझ लीजिए कि मैं भड़ास निकाल रहा हूँ। ठीक है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, लीजिए आप सकारात्मक भड़ास निकालने के बाद में आप सकारात्मक प्रतिपक्ष की ओर बढ़े, मेरा ये भी निवेदन कह रहा हूँ, जो न्यू के पत्थर थे वो न्यू में ही दब गए, विंध्य से एक अकेला मात्र मंत्री है राम खिलावन पटेल, उनकी अगर बिसाहूलाल सिंह भी हो गए, बिसाहूलाल सिंह है वो तो कांग्रेस से आए, लेकिन जो मीना सिंह, हाँ जो वो ये है वो शहडोल संभाग से, अगर आप रीवा संभाग से आता है लेकिन ये रीवा संभाग से वो राम खिलावन पटेल है जो भारतीय जनता पार्टी से, वो भी बसपा में आए, बसपा से भारतीय जनता पार्टी में आए। तो जो न्यू के पत्थर थे वो बेचारे न्यू में दब गए, जिन्होंने झंडा डंडा चना मुरमुरा खाके इनको पार्टी खड़ी की और एक गौरवशाली भाजपा बनाई, वो तो अब बेचारे पीछे दरकिनार हो गए और अब कांग्रेसियों ने जो है कब्जा कर लिया। कटनी में हालत ये है कि संजय पाठक जो चाहते हैं वो होता है, जो दूसरे विधायक हैं पटेल वो चाहते हैं वो होता है, इनका जिला अध्यक्ष जो है वहां गौण है भारतीय जनता पार्टी का, और यही स्थिति है तमाम जहां जहां ये मंत्री बने हैं वहां है। वहां भी आज से गोविंद सिंह राजपूत फिर से सागर की जो है कलेक्टर कौन होगा, कमिश्नर कौन होगा, एसपी कौन होगा, आईजी कौन होगा, ये गोविंद सिंह राजपूत बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मुझे लगता है
कि अभी ये सही दिख रहा है, लेकिन ये बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के कदम है। पर फिरोज जी, आप कैडर बेस पार्टी को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं, जो आप संतुष्ट नहीं कर पाए थे विधायकों को, वो फिर भी बीजेपी ने कर लिए काफी हद तक। अब देखिए, फिर से मंत्री पद उन्हीं को दिया गया है जो कि सिंधिया समर्थक थे, फिर भी कहीं विरोध के स्वर उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। अमन जी, ऐसा है कि मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने ना कभी सिद्धांतों से समझौता किया, ना विचारधारा से समझौता किया। हम कभी इधर उधर नहीं पलटे। आज भी अगर हम शिवसेना के साथ हैं तो हम खुल के कहते हैं कि आप हमारी विचारधारा के साथ हैं, हम आपकी विचारधारा के साथ नहीं है। यही कांग्रेस की पहचान है। अगर हम चाहते तो सिंधिया जी को सब कुछ दे सकते थे, लेकिन इतनी दबाव की राजनीति और इतना दबाव कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करती। सत्ता ही अकेला जो है लोकतंत्र या जनसेवा का माध्यम नहीं है। विपक्ष जो हो और अगर विपक्ष मजबूत और सकारात्मक रूप से काम करे तो विपक्ष भी जनसेवा, सत्ता से बेहतर जनसेवा विपक्ष कर सकता है। मैं तो इसके लिए आपसे निवेदन बार बार करता हूँ। अरे विकास जी, आपके साथ जो मतभेद रखे, अरे आपके तो भारत का दौर आपका खत्म करिए ना। रुक तो जाइए। जो आपके साथ मतभेद रखे ना, वो टुकड़े टुकड़े गेंगे, वो खालिस्तानी है, वो तो कहीं इधर से उधर से आया है। तो आपके साथ जो है विरोध की भी आपकी अपनी परिभाषा है कि कौन सा विरोध आप समझेंगे और कौन सा विरोध नहीं समझेंगे। नहीं तो व्हाट्सएप का ही विरोध समझ लेते हैं कि ये देखो ये विरोध हो रहा है। ये आपकी खराबी है। मेरे ख्याल में आपको दृष्टि दोष है, उस दृष्टि दोष को आपको दूर करना चाहिए। दृष्टि दोष हमारा नहीं है, दृष्टि दोष आपका है कि जनता क्या चीज अच्छा परसीव करती है उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं किसी आंदोलन में, सकारात्मक आंदोलन में कोई गलत लोग प्रवेश करते हैं, हम उस आंदोलन को भी, भले ही वो हमारे निर्णयों के विरोध में हो, उस आंदोलन को बचाना चाहते हैं तो इन बातों को इंगित करते हैं ताकि इन गलत लोगों से, गलत बातों से, गलत नारों से परहेज किया जा सके, जो कि संपूर्ण रूप से देश हित में। अगर हम इस बात को रखते हैं तो आप उसे गलत ढंग से फिर भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता आपके भ्रम को परसीव नहीं कर रही ना, और आप जनता के भाव को परसीव नहीं कर रहे। दिक्कत ये, आपके भड़ास का दौर खत्म करिए, सकारात्मक प्रतिपक्ष की तरफ बढ़िए, ये हमारा भी निवेदन है। अब देखिए, आपको मैं दो चीज बता देता हूं। कैडर क्या होता है? कैडर ये नहीं होता केवल कि मैं बूथ से चालू हुआ तो ही ऊपर पहुंच पाऊंगा। लेटरल एंट्री होती है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो वो है साहब जिसने प्रशासनिक सेवाओं में भी लेटरल एंट्री डाल दी। मतलब नहीं सुनिए ना, जो व्यक्ति उचित है, जो व्यक्ति संगठनात्मक रूप से उचित है, संगठन को विस्तार देने में सक्षम है, जनता के काम करने में सक्षम है, सरकार को मजबूत करने में सक्षम है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे आप को किस किताब में परिभाषा, तो मैं भी ज्ञान अर्जित कर लूं। आप बता तो दो, हमारे गूगल में देखें क्या ये। मुझे बता देता हूं ना आपको, संगठन शास्त्र को लेके बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, आप उनको पढ़िए। आप प्रशिक्षण वर्ग की मैं लाइन पढ़वा था भी, कहीं कहीं आप भी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्गों के संबंध में जो मीडिया में आया हो उसे ग्रहण करिए, आपको समझ में आ जाएगा। विकास जी, इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब बीच में आपके पास आऊंगी कि दो तरह की बातें हमेशा से उठती रही है, एक तरफ सिंधिया समर्थक विधायक है, दूसरी तरफ बीजेपी के खुद के विधायक है। जब भी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होती है, ये बातें कहीं ना कहीं सामने आती हैं कि अगर एक बार फिर से सिंधिया समर्थन जो विधायक है, समर्थक जो विधायक है, अगर उनको जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी देखी जा सकती है। अब एक बार फिर से हमने देखा कि दो जो नेता थे वो वही थे, उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। क्या आने वाले दिनों की स्थिति आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी अब आने ही वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब सिंधिया जी शामिल हो गए तो अब वो सिंधिया समर्थक या पूर्व कांग्रेसी नहीं रह गए, वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल हृदय तो है कि उनके यहाँ कोई आता है तो पहले उसको वो घोट घोट करके अपनी घूटी पिलाते हैं, उसको अपने अनुशासन में शामिल करते हैं। विशाल हृदय नहीं कह सकते भार्गव जिसको, नहीं एक मिनट, आप ये कह सकते हैं, आप उस पर विशाल हृदय वो होता है कि आप आओ मैंने आपको समाहित कर लिया। नहीं नहीं, ये उसको कहते हैं नहीं तू पहले मेरी जैसे ढाल हो, टीसी का कोर्स करवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अगर सिंधिया जी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए तो अपनी स्वेच्छा से हुए। देखिए, वहां भी दो चीजें हैं, एक आरएसएस से आए हुए लोग हैं
जो आरएसएस से अनुशासन का पाठ पढ़ के आए हैं, और एक वो लोग हैं जो दूसरे दलों से आए हैं और दूसरी विचारधारा से आए हैं, लेकिन धीरे धीरे रह करके जैसे पानी किसी जिस बर्तन में डाल दिया जाए उसका आकार ले लेता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी राकेश चौधरी भूल गए आपको? नहीं, मुझे सर याद है, भगत सिंह पोर्ते गोविंद मोतीलाल बोरा के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर थे। हाँ। और बीजेपी के पास आदिवासी लीडर नहीं थे, इसलिए उनको किसी तरह से बीजेपी लेके आई थी। 1990 में जब सुंदरलाल पटवा हाँ। की सरकार बनी तो वही भगत सिंह पोर्ते को राज्य मंत्री की शपथ दिलवा दी गई कैबिनेट से, और वो उसके नाराज होकर चले गए। कई बीजेपी के नेता बनाते रहे, फिर भी राज्य मंत्री पशुधन विभाग उनको दिया, तो कहां चले गए वो? वो फिर वापस कांग्रेस में गए। राजी आपको याद होगा, लेकिन अब आप हाल में देखिए ना। नहीं नहीं, जो रहा है त्रिपाठी जी, देखिए सरताज सिंह जी भी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस से चुनाव लड़े, अब फिर वापस भाजपा में आ गए। भागीरथ प्रसाद है जो भाजपा है, पानी जैसे बर्तन के हिसाब से। राकेश चतुर्वेदी जी की क्या स्थिति कर दी विकास जी आपने? हाँ, राकेश चतुर्वेदी जी की, राकेश चौधरी जी हमारे सदन से उठा के उपनेता था, वो काम कर रहे थे। संजय पाठक को तो ठीक है, विधायक है, राकेश चतुर्वेदी को तो सांसद का बोले थे हम टिकट देंगे, और अंत में वो किसी तरह मान मनोबल करके सिंधिया जी के स्टेज में कांग्रेस ज्वाइन किया था उन्होंने। देखिए कुल मिलाकर के इस राजनीति में मध्यम वर्ग या जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब पदों के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक सिंधिया जी अगर किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ और वो पार्टी छोड़ करके आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बैलगाड़ी में स्कूटर रख करके जुलूस निकालती थी, पेट्रोल में टैक्स पे टैक्स बढ़ाती जा रही, आज जनता का भी तो सोचिए, जनता के प्रति आज जवाबदेह हैं, राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति नहीं, आप जनता के लिए नहीं सोच रहे। क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री की? जनसंपर्क विभाग अपने पास रखे हुए हैं, उनको कोई योग्य मंत्री नहीं दिख रहा है जो शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार कर सके, और उन्होंने मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं है क्योंकि उनके पास और भी विभाग है, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अधिकारियों को दे रखा है और अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। आप जो भी नीति बनाते हैं उनका पालन करना चाहिए और जनता के हित में नीति बनती है। क्या कारण है? पहले कहा गया कि गैस की सब्सिडी छोड़िए, सब्सिडी छोड़ने बाद आज 8 महीने से किसी को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है और कीमत पे कीमत बढ़ाई जा रही है, इसका खुलासा होना चाहिए। ये आप परोक्ष में, आप इसको पर्दे में क्यों रखे हुए? ये जनता के बीच लाइए। सिंधिया जी अगर किसानों की बात कर रहे हैं तो उनको मध्यम वर्ग के लिए भी सोचना चाहिए, और शिवराज जी जो मध्यम वर्ग के लिए सोच रहे थे उनको देखना चाहिए कि मध्यम वर्ग में वो किसान भी आते हैं और नौकरी पेशा लोग भी आते हैं। जी, ये किसने सोचा 1995 में जबलपुर में भूकंप आया था, वही तो टैक्स कब तक लगता रहा? अभी तक 1995 से 1919 में सेस टैक्स खत्म हुआ है कांग्रेस सरकार में। आप मैंने हम पूरे मध्य प्रदेश के बासिंदा जबलपुर के लिए हम भले 50 पैसे सही टैक्स देते रहे इतने सालों से, जबलपुर में क्या स्थिति है? तो जनता की कौन सरकार सोच रहा है? नहीं नहीं, आप देखिए, और यही कारण था आपकी 15 साल सरकार सेस टैक्स लेती रही है। त्रिपाठी जी यही कारण था, त्रिपाठी जी यही कारण था कि 2018 के चुनाव में युक्तिकरण होता रहता है। बुंदिया जी देखिए, वो चुनाव से आपको सीख लेना चाहिए, आपको नाराज नहीं होना चाहिए। सुनिए आप सुनिए, फिरोज जी मेरी बात सुनिए, 2018 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे रह गई? उसकी वजह यही थी कि आपने कभी मध्यम वर्ग के लिए नहीं सोचा, आपने हर वर्ग के लिए घोषणाएं की और उन घोषणाओं का भी पालन नहीं हुआ। आपने कहा था कन्या विवाह योजना और उसमें नकली सोने के जेवर दे दिए गए, आपने क्या इच्छा लिया? तो कुल मिलाकर के ऐसी नीतियां मत लाइए जिससे एक वर्ग खुश हो और एक वर्ग नाराज हो। और आज अगर किसी बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है, सिंधिया जी कुछ विधायक लेके आ गए, आप पुनः बैठ गए हैं, तो आपने इन 8-9 महीनों में क्या किया? आज कोरोना से, कोरोना का ही आप ले लें, कोरोना की नीतियां आपकी देख लें कि आपके जो कोविड सेंटर है वहां मध्यम वर्ग का आदमी अगर आज कोरोना पीड़ित हो गया, भर्ती होता है, तो उसको अपने खर्चे पे इलाज कराना है। ऐसा क्यों? आपने पहले तो काढ़ा बंटवाया खूब, कहां बंटाइए किसी ने नहीं देखा।
आपने क्योंकि आपके पास जनसंपर्क विभाग का कोई मुखिया ही नहीं है मुख्यमंत्री के अलावा, तो कुल मिलाकर के आप ऐसी नीतियां लाइए कि सभी वर्ग खुश हों, सभी वर्गों को कुछ मिले और सभी वर्गों को यह एहसास हो कि हमारे जो हमारे जनसेवक हैं जिनको हमने सत्ता सौंपी है। देखिए मुझे लगता है नीतियों का हमेशा युक्तियुक्तकरण होता रहता है। आपने किसानों की मार्फत कही कि अगर डीजल की कीमत बढ़ी तो 4000 रुपए उन्हें राशि प्रतिवर्ष मिल सके, उसमें बढ़ोतरी की गई, तो ये युक्तियुक्तकरण है। लगातार चलाते जाएंगे आप कर्ज लेके सरकार चलाते जाएंगे, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आप डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाते जाएंगे, गैस की सब्सिडी खत्म कर देंगे, आप हर चीज बाजार में महंगी कर देंगे, आप कोरोना के इलाज के लिए निजी जेब के खर्च से इलाज करने के लिए कहेंगे। कभी अपेक्षित नहीं किया, अपेक्षित हो रहा है, आप देखिए जाकर, आप देखिए क्या कारण है। प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकारी खर्च के ऊपर कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा, सरकारी अस्पतालों में आपकी सुविधा आप जाकर के देखिए। तो सबसे बड़ी बात यह है बूंदिया जी कि आप ये देखें कि सरकारी अस्पतालों में क्या दवाएं उपलब्ध हैं, आप जाकर के लाइन में लगकर देखिए, 6 घंटे में अगर आप डॉक्टर के पास तक पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आप कांग्रेस को भी जो अगर हमारा प्रशासनिक अमला कहीं पर छुट्टी करता है तो प्रतिपक्ष के तौर पे वो इसे प्रकाश में लाएं। अरे जो लोग प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, खरीद फरोख्त करके जनता को लूट के विधायक जीत ले गए, वो आज हमको जो है कांग्रेस नहीं निभा रहे हैं, कांग्रेस भी नहीं निभा पा रही है। क्या कारण है कि कांग्रेस के बाद आपने उठा लिया, कैसे उठा रहे हैं आप बताइए। आप देखिए जी फिरोज जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास भी, पर भोपाल के अलावा बाकी सारे जिलों का कोविड सेंटर बंद कर दिया गया है, क्या कहना है इस पर आपका? क्या फिर से बोलिए। मैं फिर से अपना जवाब सवाल रिपीट कर देती हूँ कि भोपाल को छोड़कर बाकी सारे जिलों का कोविड सेंटर बंद कर दिया है सरकार ने, विकास जी से ये मेरा सवाल है। देखिए कोविड सेंटर बंद नहीं किए गए जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ स्पेशल कैंपिंग डिस्पेंसरीज खोली गई थी कोविड को देखते हुए। अब जैसे जैसे कोविडों के मरीजों की तादाद में कमी आई है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मरीज बढ़ रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कमी आ रही है, आज भोपाल में 128 मरीज। आप तो वो दवा बता दीजिए, आप तो वो दवा बता दीजिए जो आपके जुलूस जलसे में भीड़ होने के बाद भी कोरोना असर नहीं करता है, वो आम जनता को वो दवा बता दीजिए। विकास जी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बाहर डिस्पेंसरी खोली गई थी, आप पूरी बात को मोल कर रहे हैं, पर स्वास्थ्य विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें जिक्र किया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, स्पेशल जो डिस्पेंसरीज बनाई गई थी उनको अभी के लिए, जब तक कि ऐसी जरूरत नहीं है, जो हमारे रूटीन के अस्पताल हैं वहां पे अगर मरीज इस तादाद में पहुंचते हैं और उनको संभाला जा सकता है तो इन स्पेशल डिस्पेंसरीज की आवश्यकता नहीं रही, वहां वहां ये बंद किए गए। भोपाल में आवश्यकता है चालू है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार का प्रशासनिक अमला भी अपनी तौर पे कहाँ पे क्या डेप्यूटी डॉक्टर खबरें आती है, हम अपने ही चैनल पर इसे दिखाते हैं कि मैं ये कहूंगा अगर कोई इसकी कमी के कारण लोगों को अब दिक्कत आना चालू हो तो आप बताइएगा। सर आप दिक्कत की बात कर रहे हैं, आप दवाइयों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स के द्वारा बदतमीजी तक की जाती है। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर ही नहीं है, देखिए डॉक्टर ही नहीं है अस्पतालों में, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हुई खड़ी हैं 30-40 साल से, ये तो सरकार का फेलियर है ना। लेकिन आपको इतने प्यारे हैं कि आप उनको इधर से उधर करते ही नहीं। नहीं कहीं कोई प्यारा नहीं है, प्यारी जनता है, उसकी सुविधा के लिए सेवा के लिए जो काम होंगे निर्णय होंगे वो सरकार लेगी। आप बताइए ना जहाँ कोई कमी है, जहाँ प्रशासनिक कमी है, बताइए सरकार उसे दूर करेगी। बोंद्रिया जी अभी 2 दिन पहले 31 दिसंबर खत्म हुआ है, आपके नगर निगम भोपाल ने कहा था कि जल दर में 2% की छूट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं जमा किया 8-9 महीने से कोरोना में लोग घरों में बंद हैं, जिनकी सारी कमाइयां बंद हो गई हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, वो नहीं जमा कर रहा, उनके अब नल कनेक्शन काट रहे हैं। अरे सरकार जो पानी नहीं दे सके पीने के लिए, सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे सके, वो क्या संवेदनशील है? आपको चाहिए कि आप इनमें देखिए। और 100 रुपए में बिजली मिल रही थी भैया, ये योजना क्यों बंद कर दी आपने? बंद यही तो फिरोज भाई आपकी गलतफहमी, बिल तो देखिए, जो योजना हमने चालू की थी वो भी चालू है,
और अगर वो आपकी द्वारा मैं क्या बोलूँ अब मैं क्या बोलूँ आप मैं क्या बोलूँ आप ऑनलाइन क्लास के लोगों को मिल रही है हमारी जो चर्चा थी शपथ ग्रहण को लेकर शुरू हुई थी एक उदाहरण और आप कह रहे हैं हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं क्या सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है आपने क्या सुविधा की इसके लिए वाकई में अवधे जी इसको लेकर भी हम लोगों ने कई सारी खबरें दिखाई सरकार तक ये बातें पहुंचाई क्योंकि सब लोगों के पास में मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं थे यहाँ तक कि नेटवर्क की भी दिक्कत थी इस सब पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे पर वापस जिस मुद्दे पर हमारी चर्चा शुरू हुई थी त्रिपाठी जी आपके पास में आऊंगी मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी आपसे निश्चित तौर पर अमन जो भी जैसा कि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 6 लोग शपथ ले लेंगे लेकिन नहीं लिया और चूंकि ये लोग मंत्री थे क्योंकि इनका 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो चुका था कोई भी नियम जो होता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसको विधायक बनना चाहिए और विधायक बनने के बाद उसकी शपथ होनी चाहिए ये लोग चुनाव जीत करके तो आ गए थे लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था ऐसे में अभी 2-3 दिन पहले इनको विधानसभा का सदस्यता दिलवा दी गई तो इनको मंत्री पद की दूसरी बार सदस्यता क्योंकि दूसरी बार इनको फिर से 6 महीने के लिए मंत्री नहीं बनाया जा सकता था तो ऐसे में सिंधिया जी के दबाव कहें सिंधिया जी से जो इनका समझौता हुआ था उसके अनुसार गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट ने शपथ ले ली मुझे उम्मीद है कि वही विभाग भी उनके पास होंगे अब बाकी जो 4 बचे हैं और सबसे बड़ी बात विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो किसको जाना है इस तरफ एक चर्चा का निश्चित अराजी की चर्चा बनती रहेगी उम्मीद है कि विकास जी इन 4 पदों को और खासकर विधानसभा अध्यक्ष के पद को जल्दी भरेंगे प्रोटेम स्पीकर इतने लंबे समय तक कभी नहीं रहा है आप सदन ही नहीं आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और बोल देते हैं कि कोरोना के कारण नहीं होगा बाकी जगह आप रैली करते हैं कोरोना नहीं है आप विधानसभा चलाने के लिए जहां जनहित के मुद्दे उठने हैं विधायकों को अपने प्रश्न लगाने हैं भ्रष्टाचार से लेकर विकास से लेकर सारी वहां आप विधानसभा ही नहीं संचालित कर रहे हैं प्रोटेम स्पीकर सदन के अंदर के होते हैं सर प्रोटेम स्पीकर दोषी है उसके साथ वो तो सर्वदलीय एक लाइन बोलना चाहता हूँ सर्वदलीय मंत्रणा बैठक के बाद में लिया गया निर्णय देखिए ये जिस तरीके से परंपराओं को तोड़ रही है अभी हमने शपथ ग्रहण में देखा इन्होंने परंपरा तोड़ी मंत्रियों की जीवनी हुई और एंकर उसमें था कोई बुराई है नहीं नहीं क्यों नहीं है कोई आप है। आपके घर की दुकान है क्या गवर्नर राव आप संविधान में आपके घर की दुकान है आप समझ रहे हैं सुबह 5 बजे जैसे आपने वो महाराष्ट्र गवर्नर का कंबल खींच के वो ले गए थे कि चलो भैया शपथ दिला दो चीफ सेक्रेटरी को स्टेट के नहीं पता कि शपथ ग्रहण हो रही है अरे शर्म करिए थोड़ी यही खराबी है आप लोगों में दूसरा प्रोटेम स्पीकर है विधानसभा की परंपरा ये है कि सीनियर मोस्ट जो लोग होते हैं उसमें से जो है स्पीकर बनाया जाता है केदार शुक्ला उसके एक अच्छे दावेदार हैं सबसे सीनियर मेरे ख्याल में सत्ता पक्ष में वही है सत्ता पक्ष की बात करें तो आप प्रोटेम स्पीकर से ही पूरी विधानसभा चल रही है बैठक में जो मंत्री बन गए अब वो तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन सकते उसके बाद ही आप छांटेंगे ना कि कौन सबसे सीनियर मोस्ट है तीसरी बात आप प्रश्न लगाइए हम उत्तर भी देंगे सार्वजनिक नहीं करना क्यों डरते क्यों भाई इतना क्यों डरते हो कौन सा है, क्यों अब ये जी अब विधायकों ने कहा है कि आपकी सरकार ने कहा है कि हम प्रश्नों के उत्तर दे देंगे लेकिन आप सार्वजनिक नहीं कर सकते उसको पटल पे नहीं रखा है उत्तर हमारे हाथ से दे गया उसको कोई क्या करेगा आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विकास जी आपका भी बहुत शुक्रिया कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए थे फिरोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया और चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और संवाददाता अतुल शर्मा जुड़े हुए थे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे जैसा कि पहले से ही दो नामों का जिक्र हो रहा था गोविंद सिंह और तुलसी सिलावट का तो उन्हीं दो नामों पर मोहर लगी है स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है और मंत्रिमंडल का जो विस्तार था वो हो चुका है तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस